स्वागत है मैचल की न्यू वीडियो में। और आज हम फिर से एक नई स्टाइल यूज कर रहे हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं स्पाइनोसॉरस के बारे में। तो हाँ, इससे भी पहले भी मैंने स्पाइनोसॉरस के ऊपर वीडियो बना चुकी है, लेकिन इस बार मैं उस बार की वीडियो से ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये स्पाइनोसॉरस जो है ये तकरीबन 60 फुट लंबे और तकरीबन 24 फुट ऊंचे होते थे। हाँ, ये दो मंजिला इमारत जितने ऊंचे तो होते ही थे, जो आपको बस एक बार में निगल सकते हैं कि इनका मुंह आपके जितना ही बड़ा होगा लगभग। और इनके जो बाइफोर्स होते थे ना, वो थोड़ा 3 टन होती थी। आपको 3 टन कम लग रहा होगा टीरस के हिसाब से, इसकी 9-10 टन होती है, लेकिन फिर भी बहुत होता है दोस्तों। इस जमाने का सबसे ज्यादा तेज काटने वाला जानवर भी खुद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जिसकी खुद ही 3 टन है। इस समय का सबसे ज्यादा काटने वाला है वो सबसे ज्यादा तेज शेर, जो इतना तेज काटता है आपको लगता है वो होता है इसके सामने, उसके शेर के सामने, स्पाइनोसॉरस के सामने देखने की कोई औकात नहीं। और स्पाइनोसॉरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे, उनका बॉडी कि वो एक क्रोकोडाइल थे और उनकी स्पाइन इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती, सॉरी इसकी पहचान इसकी स्पाइन है। और जब आप इसकी स्पाइन गुम कर देंगे और आप इसे ब्लैक ब्लैक कर देंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कौन सा डायनासोर है। फिर तो आपने स्पाइन ला दी तो बना स्पाइनोसॉरस है कि इसको बस अपने स्पाइन की वजह से ही बहुत ज़्यादा जाना जाने लगा। जरासी पार्क 3 मूवी में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डायनासोर बन गया था। इसकी सबसे ज़्यादा पहली फॉसिल 1915 को ढूंढी गई थी, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान तबाह हो गई थी। और इसकी उसके बाद इसकी फॉसिल 2008 को डिस्कवर की गई, आज तक उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। इससे यह अंदाजा निकल के आया है कि स्पाइनोसॉरस जो होते थे उस समय के मछलियों और जमीन पे रहने वाले छोटे जानवरों को खाया करते होंगे। हाँ, ये पानी के अंदर तो बड़ी शार्क्स को भी खाया करते थे, लेकिन जमीन के अंदर ये बड़ा शिकार नहीं करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये कर सकते थे कि इनकी पावर इतनी थी कि ये बड़े शिकार को चुटकी भर में भी मार डाले। शायद से इनको पसंद नहीं था खाना बड़े शिकार, इसलिए नहीं करते होंगे। और इनके जो पंजे होते थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, जो लगभग 15 इंच से भी ज़्यादा होता है। 15 इंच मतलब इतने बड़े थे होते ही होंगे। अब इतना बड़ा पंजा आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका मुंह तो गया ही, वहीं पे मुखड़ी निकल के दूसरी जगह जाकर गिर जाएगी और उसके साथ साथ आपकी जान बचेगी। वो तो मुझे भी नहीं पता ऐसा होना कभी। वो स्पाइनोसॉरस की पूंछ थोड़ी लंबी टाइप होती है, जिससे पानी के अंदर तैरने में ईजी हो। और उसकी स्पाइन क्या काम करती थी, हाँ स्पाइन उसकी अजीबो गरीब दिखती थी, पर जो थोड़ा बहुत काम करने थी, जैसे कि स्पाइन का काम था क्या, कोई काम ही नहीं था, नॉनसेंस स्पाइन थी, बस दुश्मनों से हराने के लिए आई हुई थी और क्या। इसका असर बहुत कमज़ोर हो जाता है जब ये नहीं होती तो स्पाइनोसॉरस दुनिया का सबसे पावरफुल डायनासोर होता, कि यही इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और इसके नाम का ही अर्थ स्पाइन लगा है, मतलब कि स्पिन वाली। अच्छा, दिखना मुझे क्रोकोडाइल जैसा है, लेकिन इसका नाम पता नहीं क्यों चिपकली है, वो तो मुझे भी नहीं समझ आता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चिपकली नाम क्यों होता है इसमें।